हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जानेंगे तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के द्वारा दिए जाने वाले 6 गारंटी स्कीम्स के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का प्रोसेस। ये फॉर्म आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स ला के देंगे। यह है वो एप्लीकेशन फॉर्म। चलो देखें फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस। प्रजापालना नाम से ये फॉर्म रहेगा और इसका टाइम 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक रहेगा इसका टाइम। और हर एक स्कीम्स को अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, यही फॉर्म में सबके डिटेल्स रह जाएंगे। जैसे कि महालक्ष्मी और रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरा इल्लू, चयुता कार्यक्रम, ऐसे जो जो भी स्कीम्स है उसको इसी में डिटेल्स भरने का रहेगा। आपके फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इस प्रकार से आपको भरना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अप्लाई कर रहे वो एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो को यहाँ पर आपको अटैच करना होगा, चिपकाना होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो भी अप्लाई कर रहे वो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपका जेंडर जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्शन कर लो। आपका कास्ट जो भी है यहाँ पर आप ले लो, SC ST माइनॉरिटी जो भी है सिलेक्शन कर लो। नेक्स्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है SSC सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पर लिख लो आप। आपके आधार नंबर यहाँ पर लिख लो। नेक्स्ट, आपका रेशन कार्ड है तो अगर रेशन कार्ड नंबर यहाँ पर लिख लो। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और आप जो वर्क करते हैं यहाँ पर लिख लो। 9th नंबर, एंट्री में आपके फैमिली डिटेल्स के बारे में इसमें आप भरना पड़ेगा। जैसे कि सीरियल नंबर डाल लेते हुए जो भी कैंडिडेट है उनका नाम भरो। नेक्स्ट, वो कैंडिडेट आपको क्या होना यहाँ पर लिख लो आप। नेक्स्ट, लिंगम के जगह मेल और फीमेल लिख लो। डेट ऑफ बर्थ जो है उनका लिख लो और उनका आधार नंबर है तो आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। 10th नंबर, एंट्री में आपको आपके एड्रेस के बारे में फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका घर नंबर। नेक्स्ट, म्यूनसिपालिटी यानी कि आप कौन से गाँव से है, वार्ड नंबर क्या है आपका, मंडल कौन सा मंडल के नीचे आता है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो सब आपको 10th नंबर एंट्री में फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ से आपके 6 गारंटी स्कीम्स के डिटेल्स स्टार्ट हो रहे। आप जो भी स्कीम को अप्लाई करना चाह रहे वो स्कीम को सिलेक्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्कीम है महालक्ष्मी पतकम के बारे में। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए। नंबर 1 में अगर आपको हर महीना 2500 रुपीज़ का हेल्प चाहिए तो सिलेक्शन करो बोल रहे। नंबर 2 है अगर आपको 500 रुपीज़ को गैस सिलेंडर चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लो। उसके अंदर ऑप्शंस दिए गए। 2.1, गैस कनेक्शन नंबर, आपका जो भी कनेक्शन नंबर है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, 2.2 है आप कौन सी कंपनी का गैस इस्तेमाल करते, यानी कि इंडियन है या HP है, भारत है, जो भी कंपनी का इस्तेमाल करते वो कंपनी का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। 2.3 है साल में आप कितने गैस सिलेंडर यूज़ करते, यानी कि साल में आपको कितने टाकीज खर्च होते, यहाँ पर आप उसके नंबर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्कीम है रैतु भरोसा पतकम के बारे में। फर्स्ट है अगर आपको 1 एकड़ ज़मीन को 15,000 चाहिए तो ये फिल करना चाहिए। उसमें 1.1 में है अगर आप किसान हैं तो फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लो। अगर आप कौल रैतु हैं तो सेकंड बॉक्स में आप क्लिक करो। नेक्स्ट, 1.2 में आपके किसान बुक में जो भी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। 1.3 में है आपके ज़मीन के डिटेल्स, यानी कि सर्वे नंबर क्या है, नहीं तो कितने एकड़ है, वो सब कैसे यहाँ पर आप फिल करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में अगर आप किसान मजदूर है और साल को 12,000 अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे तो इस बॉक्स में सिलेक्शन करना पड़ेगा। और उसमें 2.1 में आपके मजदूर बुक में कार्ड नंबर जो रहता वो यहाँ पर आप फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्कीम है इंदिरा इल्लू पथकम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है उसमें इल्लू लेनी अर्हुलैन कुटुंबानिकि, यानी कि जिसके पास घर नहीं है वो अप्लाई करने के लिए है। उसमें फर्स्ट है 1.1, अगर आपके पास ज़मीन है और आप घर बनाना चाह रहे
तो अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स में सिलेक्शन कर लो। सेकंड पॉइंट है, तेलंगाना मूवमेंट के टाइम पे जो शहीद हुए थे या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग को 250 स्क्वायर गज ज़मीन देते बोले थे ना, उसके वास्ते है ये। उसमें 2.1 है, अगर आप शहीद के ख़ानदान से हैं तो फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लो। उसके अंदर ऑप्शन दिए शहीद, आपकी फैमिली से कौन शहीद हुए थे उनका नाम फिल करना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है अमर उल्लैन संवत्सरम, यानी कि कौन से साल में वो शहीद हुए थे, यहाँ पर आप फिल कर लो। नेक्स्ट FIR नंबर, यानी कि FIR क्या नंबर था वो नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेथ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिल कर लो, 2.2 में है। अगर आप तेलंगाना मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें अगर यस है तो फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लो, नहीं तो सेकंड बॉक्स में क्लिक करो आप। अगर आप यस ऑप्शन क्लिक करें तो आपका FIR नंबर और ईयर कौन से साल में गए थे यहाँ पर आप फिल करना पड़ेगा। अगर आप उस वक्त तो अगर जेल गए तो उसके डिटेल्स भी नीचे भरने का है। ए में है जेल पेरू, यानी कि जेल का नाम क्या था, स्थलम कौन सी प्लेस है वो, शिक्षा संबंधित विवरालु यानी कि किस वजह से आपको जेल में डाले थे उसके बारे में लिखने का है, और कालम यानी कि कितने साल आप थे जेल में वो यहाँ पर आप फिल करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट स्कीम है गृह ज्योति पथकम के बारे में, यानी कि हर महीना 200 यूनिट्स करंट फ्री बोले थे ना उसके बारे में है। उसमें 1.1 है, आप महीने को कितना करंट इस्तेमाल कर रहे, यानी कि अगर 0 से लेके 100 तक रहे तो फर्स्ट बॉक्स में क्लिक कर लो, 100 से लेके 200 यूनिट्स तक रहे तो सेकंड बॉक्स, 200 है वो रहे तो थर्ड बॉक्स में क्लिक कर लो आप। नेक्स्ट 1.2 में आपके मीटर कनेक्शन नंबर जो है यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्कीम है चयिता पथकम के बारे में, जैसे कि एजड पर्सन्स को 4000 और हैंडीकैप पर्सन्स को 6000 अमाउंट देते बोले थे ना उसके बारे में है। ऑलरेडी आपको ये स्कीम से अगर अमाउंट आ रहा तो पेंशन आ रहा था, भरने की ज़रूरत नहीं है ये। अगर आप हैंडीकैप अगर रहे तो नंबर 1 पे सिलेक्शन कर लो आप, और आपका साधारण सर्टिफिकेट नंबर रहते ना उसे यहाँ पर आप भर लो, उन लोगों को 6000 अमाउंट मिलेगा। और दूसरे पर्सन्स जैसे कि वृद्धापिया यानी कि एजड पर्सन्स रहे तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लो, गीता कार्मिकुल रहे तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लो आप, डायबिटीज़ के किस पेशेंट्स है तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लो, बीडी कार्मिकुल रहे तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स दिए सो है, आपको जो फील्ड है उस पर सिलेक्शन कर लो। नंबर 2 में है सो कैंडिडेट्स को पर मंथ 4000 अमाउंट मिलेगा, नंबर 1 में है सो कैंडिडेट्स को 6000 अमाउंट मिलेगा। कुछ इस प्रकार से 6 गारंटी फॉर्म को आप फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट्स इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, एक है आधार कार्ड जीराक्स, दूसरा है वाइट रेशन कार्ड जीराक्स अटैच करके। नेक्स्ट जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ तक हम लिखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर आ रहे वो आपको आप जो स्कीम को एलिजिबल है उसके हिसाब से राइट मार्क कर लेके उनके डिटेल्स पूरा भर के स्टाम्प मार के आपको ये नीचे दिए गए रसीद आपको दे दे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।